नमस्कार। आज योग दिवस है और भारत नहीं पूरा विश्व कहता है कि करो योग रहो निरोग। इसी के तहत हमने आज एक खास कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम आप लोगों को योग के बारे में बता रहे हैं, योग करके बता रहे हैं हमारे योग शिक्षक नवीन वर्मा। नवीन वर्मा कई सालों से खातेगाँव क्षेत्र में योग कर रहे हैं और बाहर भी जाते हैं, कई तरह के अवार्ड भी योग में इन्होंने जीते हैं। और योग करना कितना महत्वपूर्ण है वो हमें कोरोना काल में समझ में आया। जब कोरोना काल में कोई वैक्सीन नहीं मिली तो एक ही उपाय बताया गया कि घर में रहे और योग करें। आजकल देश विदेश में भी लोग योग को अपना रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं योग शिक्षक नवीन वर्मा खातेगाँव वाले .com के ओर से आपको यहाँ पे योग दिवस के विशेष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको योग के कुछ आसन के बारे में आपको यहाँ बताया है। और आज हम योग के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि आज विशेष विश्व योग दिवस है। पूरी दुनिया योग कर रही है। आज विशेष योग के क्षेत्र में बहुत से लोग आगे गए हैं और बहुत से लोग जा रहे हैं। हमारे योगाचार्य योग गुरु बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर योग सिखाते हैं। आज योग विशेष करियर के रूप में भी जाना जाने लगा है। आप योग के क्षेत्र में डिप्लोमा कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं और अपने अच्छी अर्निंग भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि योग सिर्फ आप मैदानों में या स्कूलों में कहीं पे भी रहकर निःशुल्क करा सकें। ये तो है ही, समाज सेवा के साथ आप अपनी अर्थ सेवा भी सुधार सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले योग सिर्फ एक मैदानी क्षेत्र में किया जाता था। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, लेकिन अब योग प्रोफेशनल हो गया है। एक करियर, एक बिजनेस में की तरह हो गया है। इसलिए योग से जुड़ें, एक समाज सेवा भी होगी आपकी और आपकी खुद की भी एक अर्निंग भी होगी। जैसे कि मैं आज मुझे योग के क्षेत्र में 7-8 साल होने पाए हैं। मैं विशेष बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और काफ़ी योग जगहों पर जाकर मैंने योग सिखाया है। स्कूलों में, अलग अलग कक्षाओं में जाकर, सेंटर पर जाकर मैंने योग सिखाया है और सब सीखने के बाद मैं और सीख भी रहा हूँ। आज मैं इंदौर से देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से एमए योग कर रहा हूँ। और मुझे योग क्या है, पहले मैं योग करता था तो कम लेवल पर उसकी समझ थी मेरे को, और अब मैं जब एमए योग कर रहा हूँ तो मुझे और अधिक उसमें योग के इंटरेस्ट के बारे में, योग के बारे में और अधिक जानकारी मिली जो मेरे लिए बहुत लाभकारी है। आगे भविष्य में मैं योग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूँगा और इस समाज को अपने योग के द्वारा स्वस्थ और निरोगी बनाऊँगा। यही मेरा सपना है। धन्यवाद।